ये लो, हमरी तो अक्कल चली गई है घास चलने। इतना भी नहीं जानत की ये वक्त तो तू यहाँ होते। क्यों, क्या हुआ बुआ माँ, कुछ काम था? अरे नहीं बिटिया, पूरे घर का काम तो तू करत है, और तुझसे क्या करवाए। हम तो तुका कुछ देने आए थे। क्या? वो पुराना मंदिर है ना, जहाँ 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है, वहाँ एक सिद्ध बाबा आए हैं। बहुत सिद्ध है बिटिया, कहते हैं उनसे जो मांगो वो दे देते। तो हम तोरे लिए भी कुछ मांगे हैं, और देखा उनका आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद। भगवान करे उनके आशीर्वाद से तेरी कोख जल्दी हरी हो जाए। कैसे बताऊं बुआ माँ कि मैंने अपनी कोख में 9 महीने ओम को पाला है। आपको मैं कैसे बताऊं कि यशोदा होते हुए भी मैंने देवकी का काम किया है। नाम से तो यशोदा हूं, पर बाल गोपाल को अपना कहने का भी हक नहीं। मैं एक माँ हूं बुआ माँ, एक ऐसी माँ जिसे लोग बांझ कहते हैं। की मां बनना चाहती हूं। देखो मैं जानती हूं तुम कहोगे कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है राकेश, और ना ही मुझे समाज की कोई परवाह है। कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। आई लव यू राकेश, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। तुम्हारे बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहूंगी। मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। आई प्रॉमिस यू राकेश, आई प्रॉमिस यू। उस बच्चे पे मैं अपना कोई हक नहीं जताऊंगी। मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। मैं तुम्हारे बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहूंगी।